बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दिस टॉपिक इज लेंथी, सो वी आर डिवाइडिंग दिस लेसन इनटू थ्री पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आफ्टर स्टडीइंग दिस, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। So let's move towards our topic. Now, what is row matrix? Very simple, as name indicates, a matrix which has one and only one row is called row matrix, or having order 1×n. Okay, which means a matrix which has only one row and n number of columns. N represents the number of columns. That is, for example, in this example, you will see that number of rows is 1 and number of columns are 2. So this matrix is called row matrix. ठीक है? अब row matrix क्या होती है? ऐसी matrices जिसमें number of rows 1 हो and number of columns n हो. N means number of columns 2, 3, 4 up to so on. मतलब कि वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, विच इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सेम लाइक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम। ठीक है, ऐसी मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर m क्रॉस 1, वेयर m रिप्रेजेंट्स द रोज एंड 1 रिप्रेजेंट्स अ कॉलम। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें कॉलम 1 हो और रोज डिफरेंट हो सकती हैं, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स गिवन है आपको। ठीक है, 1, 2, इसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं। इसमें रोज देखें तो नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो सो देयर ऑर्डर इज इट्स ऑर्डर इज 2×1। ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी नंबर ऑफ रोज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4×1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो, तो उस ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर निकला है, फोर साइडेड फिगर को हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ आपस में सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें भी जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो इसमें रो नंबर ऑफ रोज कितनी क्या है? 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2×2, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो इसका ऑर्डर 3×3 है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट टाइप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स निकला है रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होती है? फोर साइडेड फिगर है। ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। सेम इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी
रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर आप, तो m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए के बारे में आपको, ठीक है, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3, जो कि सेम नहीं है, आपस में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मजीद अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैं इसको पढ़ लेता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन सी मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, सिंपल आप क्या करते हो, जब भी आपने चेक करना हो कि कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन सी रेक्टेंगुलर है, तो उसके लिए आप इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में जो मैट्रिक्स ए है वो है 2, 3, 0, 4। Now to find whether it is a square matrix or a rectangular matrix, we have to check the order of the given matrix. ठीक है, इसका हमने order check करना है। तो order क्या है इसका, number of rows 2 है and number of columns भी 2 है, तो order of matrix A is 2x2। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हैं, तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो तो ऐसी मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, so it is a square matrix। ठीक है, तो square matrix या rectangular matrix के लिए हम क्या check करते हैं कि उसकी order check करते हैं। अगर number of rows number of columns के equal हैं तो वो square matrix होगी, अगर equal नहीं है तो वो rectangular matrix होगी। ठीक है, जैसा कि second part में है, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2x3, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, विच इज नॉट सेम। ठीक है, जो कि आपस में जिसका ऑर्डर सेम नहीं है, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। ठीक है, जिसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करनी है। एक्सरसाइज 1.1 के हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 तक हमने
सॉल्व कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह जो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम 5, 6 और 7 भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 भी साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी आज का लेक्चर था ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें नेक्स्ट 3 टाइप्स जो है मैट्रिसेस की वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।